मंत्री के सामने ही नारे लगाती ये भीड़ एक पूर्व सैनिक के साथ हुए अन्याय से रोष में है। ये आवाज पुलिसिया दमन के खिलाफ बुलंद हो रही है, जो बिना सोचे समझे जिले में डंडा भाजने में व्यस्त है। दरअसल रविवार को गाजीपुर के प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला नगसर थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में पुलिसिया कार्रवाई से पीड़ित पूर्व सैनिक अजय कुमार पांडे के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान घटना से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि प्रभारी मंत्री ने घटना के संबंध में पीड़ित परिवार से मिलकर जानकारी ली और उन्हें आश्वस्त किया कि इस घटना को लेकर सरकार और शासन गंभीर है, मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बातचीत में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया हूं। परिजनों से घटना के संबंध में बातचीत कर पूरी जानकारी ली है और इसकी रिपोर्ट सीएम को दूंगा। आइए पहले सुनते हैं प्रभारी मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने क्या कहा। 26 जुलाई को मेरे संज्ञान में आया कि 26 जुलाई को यहाँ एक अप्रिय घटना घटित हुई, जिसमें पीड़ित पक्ष के पूर्व सैनिक श्री अजय कुमार पांडे जी एवं उनके सभी परिजनों से मैं उत्तर प्रदेश के न्यायप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर परिजनों से मिलने के लिए और उनसे मिलकर के उनकी समस्त बातों को मैंने समझा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं रिपोर्ट करूंगा। इसके पूर्व प्रथम दृष्टया जिन्हें दोषी पाया गया था, थानाध्यक्ष नगसर हाल्ट रमेश कुमार को प्रशासन ने लाइन हाजिर कर दिया है। उप निरीक्षक कृष्णा यादव को भी हटा दिया गया है। एसडीएम जमानिया और सीओ दो सदस्यीय एक टीम बनाई गई है जो इस प्रकरण की जांच करेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी। जो परिजनों का कहना है कि उनके ऊपर अकारण मुकदमा दर्ज हुआ है, जांच में जैसे वो बात आएगी निश्चित रूप से ये जो फर्जी मुकदमा हुआ है जैसा परिजनों का कहना है वो मुकदमा भी वापस होगा। पूरी तरीके से जो पीड़ित पक्ष है, जो श्री अजय कुमार पांडे जी पूर्व सैनिक का परिवार है, उसके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है और जिस प्रकार की कार्रवाई वो लोग चाहेंगे उस दिशा में कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। मंत्री जी, अभी कुछ लोग जो है विरोध भी कर रहे थे, आखिर उनका विरोध किन बातों को लेकर था? लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, सभी के बात कहने के अलग अलग तरीके होते हैं, सभी की बातों का, सभी के विचारों का स्वागत है। मंत्री जी, इसके अलावा कोविड-19 की बात करें तो गाजीपुर में पहले 42 पॉजिटिव मरीज लापता थे और उनकी संख्या पहुंच कर 50 हो गई है और लापता में जो एसपी ऑफिस के स्टोनों से लेकर पुलिस कार्यालय पुलिस लाइन सभी लोग हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है कि पहली बार प्रदेश में हुआ है। हम लोगों ने भी पिछले 15 साल की सरकारों को देखा है, पहली बार कोई हुआ है कि प्रदेश का मंत्री, प्रभारी मंत्री तुरंत घटना का संज्ञान लेके पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए आया है और इसीलिए आप लोगों को इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि सरकार और शासन कितना गंभीर घटना को लेके और त्वरित गति से कार्रवाई कल ही हुई है और आगे। प्रभारी मंत्री के अनुसार इस घटना को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। आपको बता दें कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक रमेश कुमार को लाइन हाजिर करने के साथ उप निरीक्षक कृष्णा यादव को भी हटा दिया गया है। पूछताछ में पीड़ित पूर्व सैनिक अजय कुमार पांडे के परिवार ने बताया कि उनके ऊपर पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमा कायम किया गया है। जमानिया एसडीएम सत्यप्रिय सिंह और सीओ जमानिया सुरेश शर्मा की दो सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा वो कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। यदि पीड़ित परिवार के खिलाफ फर्जी मुकदमा किया गया होगा तो वापस होगा। पीड़ित परिवार जिस तरह की कार्रवाई चाहेगा होगी। कुछ लोगों द्वारा जातिवाद का शोर मचाने पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि हम लोग जातिवादी बातों को स्थान नहीं देते हैं। मालूम हो कि इस दौरान पीड़ित ने प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा, इससे उन्होंने दर्ज मुकदमा वापस लेने, दोषी थाना अध्यक्ष समेत उप निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी के साथ ही उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने और परिवार के सभी पीड़ितों का री मेडिकल वीडियोग्राफी निगरानी में कराने का अनुरोध किया।
इस पर प्रभारी मंत्री ने आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। दीपेश जी, आज आपके यहाँ मंत्री जी आए थे, क्या वार्ता हुई और उनके वार्ता से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? मंत्री जी ने यही कहा है कि उचित कार्रवाई करेंगे हम लोग, जो आप लोगों के साथ में अमानी में घटना घटी है इसकी हम लोग पूरी पूरी उचित कार्रवाई करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है सर, हम लोग चाहते हैं कि दरोगा जी जो हमारे साथ अमानी में व्यवहार किए हैं आप उनको बर्खास्त तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें। हमारे ऊपर जो लगा मुकदमा है, झूठी मुकदमा किया गया, उसको वापस लिया जाए। और जो है पुलिस कर्मी जो आए थे हमारे घर में अमानवीय व्यवहार के साथ हमें मारे पीटे हैं, उन्हें भी कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है इसके ऊपर संज्ञान लेते हैं और आप जैसे चाहते हैं वैसे कार्रवाई हो। जिन चोटों को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था, क्या उन चोटों को मंत्री जी को आप लोगों ने दिखाया? जी, मंत्री जी को हमने दिखाने के लिए कहा तो कहें कि कोई बात नहीं है, मैंने इसको देख लिया है, हम बहुत ज्यादा वायरल हुआ, मैंने इसको देखा है। कल जो है नक्सल थाना के नक्सलों को लाइन हाजिर कर दिया गया, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या मांग है आप लोगों की, मांग क्या है? हम पूरे परिवार वालों की यही मांग है कि हमारे साथ घटना हुई है इससे हम काफी पीड़ित हैं, काफी हम अपने आप को अप्रतिष्ठित महसूस कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि दरोगा जी को बर्खास्त किया जाए और जो भी साथ में पुलिस कर्मी हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया जाए। परिवार के कितने सदस्यों के साथ मारपीट की गई थी? 9 लोगों के साथ। इसमें महिलाएं भी थी? नहीं, महिलाएं को महिलाएं नहीं थी। 9 लोगों में कौन कौन लोग थे? 9 लोगों में थे अजय कुमार पांडे, पूर्व सेना कार्यरत, और कमल कुमार पांडे जो है उरी सेक्टर पाकिस्तान बॉर्डर पर भी तैनात हैं, और सुशील कुमार पांडे पूर्व सेना हवलदार, दीपेश पांडे, इंद्रजीत पांडे परिवार के ही सब हैं, विशाल पांडे, अभय पांडे, निर्भय पांडे, ये सब स्टूडेंट हैं। दीपेश जी, अजय पांडे के ऊपर पुलिस के द्वारा एक आरोप भी लगाया जा रहा है, उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे? कैसे फर्जी मुकदमे की बात कर रहे हैं? फर्जी मुकदमे की बात इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस हमारे घर में ढुकी है बिना मतलब का। हम लोग कोई अपराधी नहीं है, ना ही कोई हम लोग का अपराधी छवि है, ना ही कोई हम लोग के ऊपर कभी कार्रवाई कुछ हुई है, ना कोई मुकदमा है। उनका ये कहना है कि सन 2000 में अजय पांडे के द्वारा जो है जिला नगर में जीआरपी की चौकियों के फूकने का कुछ मामला? नहीं, ये जो घटना हुई थी हमारे परिवार के लोगों को मार दिया गया था उस समय हमारे पुलिस के द्वारा, हमारे परिवार के लोग में इसमें कोई कहीं से भी कोई संलिप्तता नहीं है, ये एक दुर्घटना बस ये घटना हुई थी संजोग से। क्या अजय जी के नाम से उस समय मुकदमा कोई दर्ज है क्या उस समय का? जी मुकदमा दर्ज नहीं है, ऐसी मतलब जो बातें हैं बनगड़ंत बातें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पुलिस जो है अपना काम इस समय अपना नाकामी छुपाने के लिए हमारे ऊपर काफी सारा पुलिस के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा ये बात कही जा रही है। पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी लोग के द्वारा बातें जो कही जा रही है, उस समय बहुत सारे लोग थे जो ये घटना को वहाँ पे स्टेशन पे बवाल किए थे, शायद गाड़ी ट्रेन फूंक दिए थे। उस समय देखकर हम लोग काफी छोटे थे, हम लोग को तो जानकारी उतनी नहीं है, लेकिन हमारे परिवार के एक व्यक्ति का जान गया। प्रशासन ने और सरकार ने उस समय जो भी सरकार थी हमारे परिवार का कोई मदद नहीं किया, ना ही परिवार को कोई मुआवजा मिला, और झूठा आरोप जो अभी लगाया जा रहा है ये सब कोई नहीं है। आप 30 साल के करियर में, नौकरी के करियर में आप थाने में कोई आपराधिक रिकॉर्ड दिखा दें हमारे परिवार का या हमारा, तो आप लोग, मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो हमें सजा देंगे हमें मंजूर है। ब्रह्म भोज के दिन ऐसा क्या हुआ, पिस्टल लहराने का मामला था, क्या है मामला? ब्रह्म भोज वाले दिन किसी को सूचना के आधार पर जो है कोई लड़का को पकड़ने पुलिस आई थी कि उसके हाथ में कोई रिवॉल्वर बंदूक है, तो उस आधार पर पुलिस आई थी। पुलिस इसके बाद आई है, पकड़ी है कि नहीं पकड़ी है, उससे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग अपने परिवार में अपने द्वादशा के कार्यक्रम में व्यस्त थे और अचानक हमारे घर में 5-6 पुलिस वाले ढुकते हैं, और ढुकने के बाद में जब हमारा भतीजा पूछता है कि क्या हुआ क्यों है आप लोग, तो उसको तुरंत मारपीट करना शुरू कर दिया। ये कहना कि हम दोबारा विकास दुबे नहीं पैदा हमें देंगे जनपद में, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? हम क्या कहें, हम तो विकास दुबे तो जो कांड किया था वैसा तो हम लोग कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं है, ना हम लोग उस प्रवृत्ति के हैं। हम लोग रोजी रोटी कमाने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग जो है प्रशासन और संविधान के अनुसार रहने वाले व्यक्ति हैं, भारत के निवासी हैं, हम लोग ऐसा कार्य कभी ना सोचे हैं ना करेंगे। इस मौके पर जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, एडीएम राजेश सिंह, जमानिया एसडीएम सत्यप्रिय सिंह, जमानिया सीओ सुरेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पांडे, एसपीआरए ग्रामीण अनिल कुमार झा, सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य, तहसीलदार जमानिया आलोक कुमार, कृष्ण विहारी राय, ओम प्रकाश राय सहित अन्य लोग मौजूद रहे। हमारी ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।